प्रिय भाइयों एंड बहनों, अपना घर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बिना ऑयल के आज मैं लौकी की सब्जी आपको बना के दिखाता हूँ। अब इसके लिए मैंने जो सामग्री ली है, एक लौकी ली है और जीरा लिया है, धनिया लिया है, सौंठ लिया है, मिर्चा लिया है और हल्दी लिया है। हल्दी को पानी में घोल लिया है। अब हमने कढ़ाई चढ़ाई है गैस पर, कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई देखिए गर्म हो रही है। अब हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है, सबसे पहले हम जीरा डालेंगे। हमने जीरा डाल दिया है। अब जीरे को हम भूनेंगे चला चला के, जब तक ब्राउन ना हो जाए, क्योंकि जीरा जब तक भूनेगा नहीं तब तक उसका स्वाद नहीं आएगा। तो देखिए हमने कोई भी तेल नहीं डाला है, आपके सामने है। बिना तेल के ही सब्जी आपको इतनी टेस्टी बनेगी कि आप उसको चाटते रह जाएंगे। देखिए जीरा हमारा भुंज रहा है, ये भुंज गया, देखिए ब्राउनिश हो गया, इसमें देखिए भाप वेपर्स आने लगे। अब इसमें हल्दी, जो हल्दी को पानी में घोल के, एक चम्मच हल्दी लिए पानी में घोल के मैंने डाल दिया है। अब टमाटर भी डाल दिया है, ठीक है। धीरे धीरे करके हम सारे मसाले इसमें डाल देंगे। अब थोड़ा सा छोड़ देंगे गरम होने कि मसाला भुंजे इसमें। देखिए मसाला भुंज रहा है। अब इसमें लौकी डाल देंगे। लौकी हमने काट के धो के अब इसमें हमने डाल दिया, ठीक है। अब जो मसाला रह गया है, नमक रह गया है, धनिया रह गया है, सौंठ रह गया है, इसमें अदरक की जगह हम सौंठ लेंगे और थोड़ी सी हमने हरी मिर्ची ली है वो भी डाल दी। अब डालने के बाद अब इसको हम चला देंगे आराम से, इसको ऊपर नीचे करके चला देंगे। अब इस सब्जी में पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। आपको सूखी सब्जी बनानी है तो पानी बिल्कुल मत डालिए, या गीली बनानी है या रसेदार बनानी है तो आप पानी डाल दीजिए जब सब्जी भुन जाए। अब देखिए थोड़ा सा हम इसको सब्जी को गर्म होने दे रहे हैं। अब इसमें हम ढक्कन लगा देंगे। अब ये भाप में देखो ये सब्जी इस तरह पक गई है, देखिए भाप में ही पकी है। पानी नहीं डाला तो भी, क्योंकि लौकी में पानी होता ही है। लौकी बहुत ही फायदेमंद है, सभी डॉक्टर बोलते हैं लौकी खाओ। अब इसमें हम हरा धनिया भी काट के डाल देंगे। जितने भी डॉक्टर हैं वो एडवाइस कर देते हैं लौकी घर में खाओ, कोई बीमार होता है लौकी खाओ, मूंग की दाल खाओ। लेकिन समस्या होती है कि लौकी को सभी लोग ऑयल में बनाते हैं, लेकिन डॉक्टर कहता है ऑयल को छोड़ दो। तो ऑयल को आप इस प्रकार छोड़ सकते हैं। और सब्जी जो आप खुद ही देखिए सब्जी कितनी अच्छी बनी है। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लें, इसको सब तरह मिला लेंगे धनिया, फिर इसको एक बाउल में हम निकाल लेंगे। ये हमने देखिए बॉल में निकाल लिया है। अब ये खाने लायक बिल्कुल तैयार हो गई है। अब आराम से चाहे रोटी खाइए, चाहे पूरी खाइए, कुछ भी खाइए, फर्स्ट क्लास आपकी सब्जी तैयार है बिना ऑयल की। इसकी यही खासियत है।